नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर के दुबलेपन और कमजोरी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे, कुछ स्क्वाट अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही समी स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, ये आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे राइट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं, आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और फिर सीधे दूसरी साइड से ऐसे ही इसे भी आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ इससे मैं नीचे से भी जा सकती हूं, वहां से भी जा सकती हूं। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। सही जवाब दिया वहां पे मैं दिखी। ऐसे इसे लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को 8 से 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं, सांस अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को और सांस छोड़ते हुए माउंटेन पूज। ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम करेंगे तो वीर भद्रासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है। अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो और फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने दिली के पास ऐसे रख देते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे अपने थाइस को ऐसे भूमि के पैरेलल ऐसे रखना है और सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपने दोनों बाजों को कान के पास हटाते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास हमारी जांघों में जमी अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है और यह अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। ऐसे अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो रही है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं, अपने पैर को पीछे ले जाते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं, आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे हथेली के पास रखते हैं और ऐसे अपने घुटने को मोड़ते हुए ऐसे अपने थाइस को ऐसे भूमि के पैर पर ऐसे रखते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। नॉर्मल विधि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही वीर भद्रासना फर्स्ट को आप 4 से 5 बार लेफ्ट राइट पैर से होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। शरीर की कमजोरी दुबलेपन को दूर करने के लिए हम करेंगे सूर्य नमस्कार को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही समी स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास से ऐसे ले जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए ऐसे अपने छाती के मध्य में ले आते हैं। ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास हटाते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं।
और सांस छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहे और अपने हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं और अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आना है। और इसके बाद आपने अष्टांग नमस्कार की पोजीशन पर आते हैं। आपके घुटने, आपकी छाती, आपकी ठोड़ी ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हो और आपके शरीर के बीच वाले हिस्से को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, श्वास को रोक कर रखे। और इसके बाद आपने भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं, शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन पर आना है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे लाते हैं और सांस अंदर भरते हुए अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे पाद हस्तासना, सांस अंदर भरते हुए हस्तोत्तानासना और प्राणायाम आसन। ऐसे ही इसे आप मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब दोनों हाथों को ऐसे प्राणायाम मुद्रा बना लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना, अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्राणायाम आसन।